नमस्कार दोस्तों, राज एमटीडी में आपका स्वागत है। अभी अभी हंसियास के पास से मुझे महेंद्र जी कीर के यहाँ से एक रेस्क्यू कॉल आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खेती का काम करते हैं और इनकी रहवासी ढाणी बनाई हुई है और इनके घर के अंदर एक सांप देखा गया है जो घर से निकल के यहाँ पे इनका कहना बिल में घुस गया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, उस सांप को सर्च कर रहे हैं और सर्च करके रेस्क्यू करके दूर ले जाके जंगल में रिलीज करेंगे और इन घर वालों को राहत की सांस देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिग साइज का कोबरा है और सांप मेरे हाथ में आ गया है और ये ऊपर चढ़ गया है। इसको रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया है, फिर भी दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस सांप को रेस्क्यू करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना गुस्से के अंदर आ गया और अपना फन फैला रहा है। ढील दे तो आगे बढ़ जाए, आगू निकाल लो मुश्किल है। बाइट किसी कर ऊपर सेट का कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं गुंजन मैं ऐसी कर दे लटू कर दे बाहर ही लटू उधर धार बन तो करेगा नहीं फिल्म मेरे बल्लो हट को पिंजरा इसको बुला के दो जन आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस कोबरा को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था, करीब 5 फीट इस सांप की हाइट है, बहुत ही हेल्थी और अच्छा कोबरा है। तो जिस सांप को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको करीब करीब मैंने रेस्क्यू कर लिया है। सही नाम बताइए उन्होंने, महेंद्र जी। मैं महेंद्र जी कीर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक इतने बड़े सांप को मारा नहीं है और मुझे कॉल करके बुलाया और इसको रेस्क्यू करवाया है। इस तरीके के सांप बड़े खतरनाक होते हैं, इस तरीके का सांप अगर कभी आपको नज़र आ जाए तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या अपने नज़दीकी लोकल रेस्क्यूअर को कॉल करें, वो आके इसको पकड़ के ले जाएंगे। दोस्तों सांप को पकड़ना कोई आसान नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है और मेरा चैनल कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, सांपों के प्रति जानकारी के लिए है। कल ही की बात है, मेरे दोस्त मेड़ता सिटी से गजेंद्र जी व्यास जो कॉलोनी एक मेड़ता सिटी में कॉलोनी के अंदर सांप पकड़ने गए थे और इसी तरीके के सांप ने उनको काट लिया और उनकी परसों रात को मौत हो गई थी, जिनका कल अंतिम संस्कार हुआ है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दोस्तों सांप को पकड़ना कोई इतना आसान नहीं है, कोई भाई मुझे देख के मेरी कॉपी करने की कोशिश ना करे, ये एक जानलेवा सांप है। अगर ये एक हाथी को काट ले तो उसकी भी जान ले सकता है,
उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक बहुत खतरनाक जहर पाया जाता है। और मैं गजेंद्र भाई की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। और मेरी तरफ से आज जन्माष्टमी की सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही खतरनाक सांप है दोस्तों। चलो दोस्तों, सांपों के प्रति मैं बहुत सी जानकारियां दे चुका हूँ। चलो दोस्तों, इसको रेस्क्यू कर रहे हैं और दूर ले जाके जंगल में छोड़ेंगे। बर्गर मुंडी नीचे करे वजन नहीं करन दो, मर्जी है वजन करन दो। मैं दोस्तों, जिस कोबरा को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको मैंने सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और अब दूर ले जाके जंगल में रिलीज करेंगे। कल के दिन मैंने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खोया है, गजेंद्र व्यास मेहरता सिटी, जिसकी सांप काटने से मौत हो गई थी। तो दोस्तों, हमें कोई सरकार तनख्वाह नहीं देती है, या हमें कहीं सांप पकड़ने जाते हैं तो 2-4-5 हज़ार रुपये नहीं मिलते हैं। हम अपनी जान जोखिम में डाल के सांपों की जान बचाते हैं और लोगों को सुरक्षित करते हैं। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए। YouTube पे राज MTD नाम से मेरा चैनल है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। नमस्कार दोस्तों, राज MTD में आपका स्वागत है। अभी जो 1 घंटे पहले मैंने ये हंसियास से महेंद्र जी कीर की ढाणी से जो कोबरा रेस्क्यू किया था, इसको मैं इसके नेचर में जंगल में रिलीज करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, इसको इसके नेचर में रिलीज कर रहे हैं। और दोस्तों, जो भी मेरे रेस्क्यूअर हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सांप को सांप समझे, सांप के साथ स्टंट ना करे, सांप के साथ ना खेले। सांप कभी हमारा दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर दिमाग नहीं होता है। दोस्तों, मैं इसको इसके नेचर में रिलीज कर रहा हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ ताकि अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से जी सके। अरे सर, गुस्सा भारी होता है ना इसको, देखियो गेड़ो मुझे पड़ियो। अच्छा दोस्तों, मैंने इसको इसके नेचर में रिलीज कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डरे हुए परिवार की हेल्प करते हुए, किसी रेप्टाइल की जान बचाते हुए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सावधान रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम।